वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। अभी कराची के ऊपर भारतीय जेट उड़ने की अफवाह से सोशल मीडिया पर फजीहत कम नहीं हुई थी कि इमरान खान की एक और हरकत ने पाकिस्तान का मजाक बना दिया है। और ऐसा कहने के पीछे एक वजह है, क्योंकि कोरोना वायरस से बेहाल पाकिस्तानी जनता पर ध्यान देने की बजाय पाकिस्तानी पीएम भारत पर ध्यान दे रहे हैं। तो आइए इस रिपोर्ट में जानते समझते हैं कैसे इमरान खान ने भारत पर बयान देकर करा ली अपनी ही फजीहत और उनके इस बयान के पीछे क्या है मंशा। दरअसल पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने गुरुवार को एक ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने एक न्यूज वेबसाइट की खबर के हवाले से बताया कि भारत के 34% घरों में लोग बिना सहायता के एक हफ्ते से ज्यादा समय तक नहीं चल सकते। इसके बाद उन्होंने आगे लिखा कि मैं भारत की मदद और कैश ट्रांसफर प्रोग्राम को शेयर करने के लिए तैयार हूँ। हमारे इस प्रोग्राम की जनता तक पहुँच है और इसकी पारदर्शिता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तारीफ हुई है। बस फिर क्या था, इमरान के इसी ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया। किसी ने उनको अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी तो किसी ने कहा कि इमरान खान को देखना चाहिए कि उनके देश की क्या दुर्गति है। जाहिर है, इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी पीएम के ट्विटर पर खूब फजीहत हुई। इमरान को ट्रोल करने वाले एक यूजर ने लिखा कि आपको कोरोना से बेहाल पाकिस्तान नजर नहीं आता जो आप भारत पर बयानबाजी कर रहे हो। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार को फटकारा है, लेकिन ये जनाब हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। तो चलिए आपको ये भी बताते चलें कि इन यूजर्स की बातों में कितनी सच्चाई है। तो आपको बता दें कि पाकिस्तान में कोरोना संकट से बिगड़ते हालात को कंट्रोल करने में इमरान सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हालत तो यहां तक आ गई है कि पाकिस्तान की स्थिति बिगड़ते देख वहां की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही कोर्ट ने इमरान सरकार से कोरोना वायरस को गंभीरता से लेने को कहा है। वहीं तत्काल राष्ट्रीय आपदा कानून बनाने का भी आदेश कोर्ट ने दिया है। वहीं डीप नॉलेज ग्रुप की रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले सबसे जोखिम भरे देशों में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। लेकिन पाकिस्तान के पीएम हैं कि अपना ध्यान संकट में फंसे पाकिस्तानियों को बाहर निकालने के बजाय भारत पर दे रहे हैं, जिसके चलते ही उन्हें फजीहत झेलनी पड़ी है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर अफवाह उड़ी थी कि भारतीय सेना के लड़ाकू विमान पाकिस्तान के कराची के पास देखे गए हैं। बस फिर क्या था, वहां से ब्लैकआउट की खबरें आने लगी और लोगों में दहशत फैल गई। जबकि ये एक महज अफवाह थी, भारतीय सेना ने ऐसा कुछ नहीं किया था। उस दौरान भी पाकिस्तान की खूब किरकिरी हुई थी। तो इस रिपोर्ट में हमने बताया कि कैसे इमरान खान अपनी करतूतों से खुद की और पाकिस्तान की फजीहत कराने से बाज नहीं आते हैं। फिलहाल आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहे जनसत्ता के साथ।